नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश करी है। खेड़ा दिल्ली से रायपुर जा रही फ्लाइट में बैठने वाले थे, लेकिन उन्हें रायपुर जाने से रोका गया है। कांग्रेस ने इस मामले को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से जोड़कर देख रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रायपुर में होने वाली राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करी थी, इसे लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस के नेता एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान पवन खेड़ा ने क्या कहा है, सुनिए। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हटा गया। मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे, मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तीन सर इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की, आ जाए फिर देखिए। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है, उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो FIR देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैरकानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस, वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है ज़बरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्व शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? बता दें कि पिछले दिनों पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बीजेपी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का है। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपी सिंह, हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास। तो ये थी पवन खेड़ा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। नहीं चलेगी।